हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सैमसंग के कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जिनको कि नए FOTA अपडेट्स मिले हैं। एंड यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट है वो सैमसंग के गलेक्सी नोट सीरीज में से, जो सैमसंग का गलेक्सी नोट ट्वेंटी कह रहा हूँ, मतलब भाई क्या हो रहा है मुझे। यहाँ पर जो सैमसंग का गलेक्सी नोट 8 है उसके लिए यहाँ पर नया FOTA अपडेट रिलीज किया गया है। सामने आप वीडियो देख सकते हैं नोट 8 की। मैं वीडियो देख करके भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। वेल, यहाँ पर अपडेट फाइल के बारे में बात की जाए तो 586 MB के आसपास की हमें अपडेट फाइल देखने को मिल जाती है। इस अपडेट के थ्रू सैमसंग ने जनवरी का सिक्योरिटी पैच तो इंक्लूड करा ही है, बट यहाँ पर जो इसका एस पेन है उसके अंदर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स कराए हैं। एग्जैक्टली कौन से इंप्रूवमेंट वो मेरे को नहीं पता, बट वही जो नोट 8 के यूजर्स हैं वो अपने डिवाइस को अपडेट करने के बाद में बता सकते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। इसके अलावा जो इसका टेलीफोटो लेंस है, लाइक 2x ऑप्टिकल जूम जो लेंस है, उसको सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है और स्टेबल कराया है। दैट मीन्स अगर आप काफ़ी ज़्यादा जूम इन करते हैं तो फिर आपकी जो फोटो है वो थोड़ी बहुत शेकी नहीं आएगी, जो कि अभी थलक आ रही थी बाय चांस आपको अगर आ रही थी तो ये भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट है कैमरे के अंदर। मैंने ये काफ़ी बार देखा है कि सैमसंग जो है अपने पुराने स्मार्टफोन्स में भी कैमरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, और जो भी इंप्रूवमेंट्स होते रहते हैं तो कैमरा के अंदर ज़रूर से डालता है यार। मतलब मेरे ख्याल से सैमसंग के स्मार्टफोन्स मोस्टली कैमरा यूज़र्स के लिए बने होते हैं, बाकी परफॉर्मेंस वगैरह तो इतनी अच्छी नहीं निकाल पाते एक्सिनोस प्रोसेसर, बट कैमरा भाई काफ़ी ज़बरदस्त होता है। सैमसंग का A51 है जो कि मेरे ख्याल से 20-21 हज़ार का है अब की डेट में, और अभी भी उसका कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है, एंड उससे बढ़िया कैमरा मुझे किसी का नहीं लगता। अब भैया यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो इसके ही एक भैया को है, मतलब छोटा भाई कह सकते हैं या छोटी बहन कह सकते हैं, क्योंकि एस सीरीज़ का है सिस्टर। एंड यहाँ पर ये जो अपडेट है वो सैमसंग के गलेक्सी S8 और S8 Plus के लिए आया है। अब एज यू कैन, अगर आपको पता हो कि यहाँ पर सैमसंग का S8 और नोट 8 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिवाइसेस देखने को मिल जाते हैं, बस माइनर से डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर जो अपडेट की फाइल थी वो अराउंड 431 MB के आसपास की थी। मेरे ख्याल से इसलिए किया गया है बिकॉज यहाँ पर हमें टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलता है, अदरवाइज जो इसके अलावा जितने भी इंप्रूवमेंट्स हैं एस पेन और टेलीफोटो को छोड़ गए वो किए गए होंगे। अब मेरे को अभी तक सिर्फ दो ही इंप्रूवमेंट्स के बारे में पता था नोट 8 के, S8 के इस डिवाइस के रिकॉर्डिंग मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट जैसे ही मुझे मिलेगी तो डेफिनेटली आपको मैं अपने चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बिल्कुल टर्न ऑन करके रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अगले स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ पर जो अगला स्मार्टफोन है वो है सैमसंग का गलेक्सी नोट 10 प्लस। सैमसंग के नोट 10 प्लस को यहाँ पर एक नया FOTA अपडेट मिल चुका है, जहाँ पर कि हमें एक मतलब नॉर्मल सा सिक्योरिटी पहले वाले देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ बग्स फिक्स करूँगा सैमसंग ने। मैं ऑफिशियली मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है अपने पास से बता रहा हूँ, तो बग्स फिक्स हुए होंगे कुछ। 144 MB की यहाँ पर अपडेट फाइल हमें देखने को मिल जाती है, एंड जनवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच लेवल भी हमें देखने को मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर। एंड यही था, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट अपडेट और रहेगा जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सो यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग के टैब S4 के लिए। यहाँ पर One UI 3.1 का अपडेट रिलीज़ कर दिया है, एंड काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, तो मेक श्योर आप चेकआउट कर लेना। एंड यही था आज की इस वीडियो में, One UI 3.1 मिला है, ये अच्छी बात है। एंड देखते हैं सैमसंग और किन किन स्मार्टफोन्स के अंदर One UI 3.1 के साथ में अपडेट करता है। वेल, यहाँ पर स्वैप नील एंड पंकज एंड यहाँ पर मुख्तार, इन सभी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, बिकॉज इन सभी ने हमारे इंस्टाग्राम पर ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, सो थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।